नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के लिए कवर अप करवाते हैं। तो आज हम आपके लिए लैब असिस्टेंट का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं राजस्थान जीके का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम की दृष्टि से 100% संभावना जो है वो आने की है। तो ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें कि इस क्लास में प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं, और डेली जो है वो हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन आज हम हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप बेस्ट बुक्स राजस्थान जीके की खरीदना चाहते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गंग नहर ने राजस्थान के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? तो गंगानगर जो शहर है उसको गंग नहर ने शुष्क जो भाग थे उनको फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ आयोडाइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? तो वो पचभद्रा और डीडवाना में लगाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो उप सरपंच का निर्वाचन है वो सरपंच एवं पंचों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो वो था अपना मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होती है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर में कपास मुख्यतः उत्पादित होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री टीकाराम पालीवाल जो थे वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 66.1% साक्षरता है हमारी 2011 की। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध जो है वो प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है 84 खंभों की छतरी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला, एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो ये बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ये मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो ये डूंगरपुर जिले में भरता है। दो क्वेश्चन पुट अप हो गए कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, और ये बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है, तो ये डूंगरपुर जिले में भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो वो थे अशोक परमार। अगला क्वेश्चन है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य सरकार द्वारा लगाई गई? उदयपुर राज्य के द्वारा लगाई गई थी ये सर्वप्रथम रोक डाकनिया प्रथा पर। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा हकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? जिस प्रकार से हमारे हिंदू समाज में गीता पर हाथ रखकर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है, उसी प्रकार कंजर जनजाति द्वारा हकम राजा का जो प्याला है उसको पीकर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो वो बनवाया था बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है, रणथंबोर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य रणथंबोर का युद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवण क्या है? तो ये एक प्रकार की घास है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1,070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? तो वो केसरी सिंह बारहठ द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। नेक्स्ट है, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये सीकर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है? तो वो अपना पाली है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जैसलमेर को। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, वो कौन सा मंदिर है? वो करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? तो वो जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में क्या नाम है? तो उसको मावठ कहते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मावठ, उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो झालावाड़ जिला ऐसा है जिसमें औसत वर्षा अधिक होती है। सब जिलों की तुलना में औसत वर्षा झालावाड़ में अधिक होती है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो अपना डीग जो नगर है वो पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने किस जिले में है? तो नागौर और सिरोही जिले में टंगस्टन धातु की खाने हैं। अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? तो उसका नाम जो है वो बेड़च हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? तो झुंझुनू के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जावर खान किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम था चर्मणवती। नेक्स्ट है, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो वो डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कहाँ है? तो वो जयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गुरु गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है? तो ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। इसी तरह से हम आपके लिए डेली जो है एक मॉडल पेपर और एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।